दोस्तों नमस्कार। चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, हरियाणा के अंदर विधानसभा का चुनाव होना है और जिसमें लगभग अब 120 दिन का यानी कि लगभग 4 महीने का समय बाकी है। चुनाव को लेकर हर पार्टी अपनी तैयारियां कर रही हैं, नेताओं का भी यहां से आना यहां जाना ये सब कुछ जारी हो चुका है। अफवाहों चर्चाओं कयासों ये सब दौर जारी हैं, कौन कहाँ जाएगा कौन कहाँ रहेगा कौन किसका पल्लू थामेगा कौन किसका छोड़ेगा ये बहुत चर्चाएं गर्म है इस प्रकार की। किरण चौधरी ने कांग्रेस छोड़ी अपनी बेटी के साथ यानी कि श्रुति चौधरी के साथ, जो चौधरी बंसीलाल की पुत्रवधू और पोत्री, कांग्रेस छोड़ करके 4 दशक 5 दशक पुराना रिश्ता तोड़ करके जब वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई तो तब भी कई प्रकार के चर्चाओं के दौर चले। एक चर्चा ये भी चली कि क्या पंडित चिरंजी लाल शर्मा के बेटे जो कि पुराने कांग्रेसी हैं कुलदीप शर्मा, हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष भी, हरियाणा की विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बहुत नज़दीक हैं, चर्चा चल पड़ी कि क्या वो भी कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे। इसको लेकर बड़ी अफवाहें चली, कुछ सोशल मीडिया पर और कुछ मीडिया इंस्टीट्यूट ने तो ये भी चला दिया कि किरण चौधरी के साथ कुलदीप शर्मा भी शामिल हो रहे हैं। हालांकि कुलदीप शर्मा उस दिन खुद भारत में भी नहीं थे, लेकिन ये अफवाहें चलती रहती हैं और इन अफवाहों पर आज विराम लगाने की कोशिश की हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। हुड्डा साहब आज पानीपत में थे और पानीपत में उन्होंने कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। पानीपत के उस कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे हुए थे कुलदीप शर्मा भी और वहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक चुटकी ले ली। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि कुलदीप शर्मा के बारे में अफवाहें चल रही हैं। आप सुनिए क्या कह रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा। मैं तो खास तौर पर निवेदन करने आया हूँ और भाई जहां तक बात है सभी साथियों का मैं फिर से वो करता हूँ। और भाई पंडित जी कुलदीप शर्मा जी ने क्या केगल फहमी फैल गई किसके है? कोई अफवाह नहीं फैल सकती भाई, बात सुन ले पंडित जी, हमने तो जिसका हाथ पकड़ा छोड़ा नहीं और तू छुड़ाना चाहोगा जब भी नहीं छोड़ूंगा तुमने, समझ गया? ये तो हमारा हमारा नेता है भाई, हमारा नेता स्पीकर था इतना ना, पहली बार आप एमएलए बने स्पीकर बने, बहुत अच्छा काम किया, तो ईसाई साथ चाहिए हमने असेंबली में, आपका साथ चाहिए हमारे को, समझा? बाजन की कोशिश मत करिए भाई, बोल बाजन की कोशिश मत करिए, बोल करेगा के हाथ मिला फिर, हाथ मिला फिर, बाजन की कोशिश नहीं करेगा भाई, ये बात एक बात है। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि कुलदीप शर्मा के बारे में ये जो अफवाहें चल रही हैं ये सब बेकार की बातें हैं। उन्होंने कहा यानी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा और एक तरह से जता भी दिया कुलदीप शर्मा को, एहसास भी कराया साथ साथ, ये कहा कि कुलदीप शर्मा कांग्रेस से एमएलए बने और हमने उनको विधानसभा का अध्यक्ष बनाया। एक कहावत है पुरानी राजनीति के अंदर कि इशारों इशारों में सब कुछ कह भी दिया जाता है, तो हुड्डा साहब ने कुलदीप शर्मा से कह भी दिया कि भैया ठीक है अब की बार आपको टिकट नहीं दिलवा पाया या आपको टिकट नहीं मिली करनाल लोकसभा की, पार्टी के हालात कुछ भी रहे हों लेकिन हमने आपका साथ भी पूरा दिया है, कहा कि आपको कुलदीप शर्मा को विधानसभा का अध्यक्ष बनाया, इसके साथ साथ कुलदीप शर्मा को लोकसभा का टिकट भी मिला था, पिछला चुनाव तो हार गए थे वो, विधानसभा का टिकट भी मिला था, चुनाव तो विधानसभा का भी हार गए थे वो। लेकिन कुलदीप शर्मा हुड्डा साहब के हैं बड़े नज़दीक और इस बात का एहसास हुड्डा साहब ने करा दिया, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कह दिया कि ना तो ये कहीं जा रहे हैं कुलदीप शर्मा और जाने भी नहीं देंगे इनको, हम अपना हक भी जता दिया, एहसास भी करा दिया कि मैं आपको जाने भी नहीं दूंगा। वैसे आपको बताऊं कि कुलदीप शर्मा आप पिछले दिनों अगर सुनते रहे होंगे तो जहाँ जहाँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकर्ता सम्मेलन होते हैं कुलदीप शर्मा उस मंच पर हुआ करते थे और कुलदीप शर्मा उस मंच से भूपेंद्र सिंह हुड्डा की शान में खूब कसीदे पढ़ते थे। दरअसल हुआ यूं कि जब लोकसभा चुनाव की घोषणा हुई तो कुलदीप शर्मा चाहते थे कि उनके बेटे चाणक्य को भी राजनीति में एडजस्ट करा लिया जाए। कुलदीप शर्मा की बड़ी इच्छा थी कि उनके बेटे को टिकट मिल जाए करनाल लोकसभा का,
क्योंकि करनाल से ही पहले चुनाव लड़े थे कुलदीप शर्मा, और करनाल से ही पंडित चिरंजी लाल शर्मा जो कुलदीप के पिताजी, कुलदीप शर्मा के पिताजी और चाणक्य के दादा, वो तीन बार सांसद रहे थे, हैट्रिक बनी थी उनकी, पंडित चिरंजी लाल शर्मा की, एक युग हुआ करता था करनाल लोकसभा के अंदर। राजनीतिक लोग ये बताते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुलदीप शर्मा के जो रिश्ते हैं, उन रिश्तों को साधते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से कुलदीप शर्मा को एक ऑफर भी किया गया था। ऑफर ये किया गया था कि आप सोनीपत की तरफ देख लें, सोनीपत की ट्राई कर लें। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सोच रही होगी कि सोनीपत के लिए वो सतपाल ब्रह्मचारी के मसले को देख करके कुछ सेटिंग बिठा लेंगे, कुछ जुगाड़ सेट कर लेंगे। लेकिन कुलदीप शर्मा अड़े हुए थे चुनाव लड़ने के लिए करनाल से, और इसी बात को लेकर के मीडिया के अंदर तमाम प्रकार की चर्चाएं, अफवाहें और कयास को दौर शुरू हुए। बात यह चल पड़ी कि क्योंकि कुलदीप शर्मा को टिकट नहीं मिला, इसलिए कुलदीप शर्मा नाराज हो सकते हैं। दोस्तों, दूसरी एक बात और भी थी कि कुलदीप शर्मा गन्नौर से विधायक बनते हैं, और उस सीट से आजकल निर्मला चौधरी विधायक हैं। निर्मला चौधरी की ने भी लोकसभा चुनाव के दौरान में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कहने से, क्योंकि उनके पति सुरेंद्र सिंह चौधरी का ऑडियो वायरल हुए थे जिसमें उन्होंने कहा था कि हुड्डा साहब से बात हो गई है, टिकट की बात भी हो गई है, सारी सेटिंग हो गई है, सतपाल ब्रह्मचारी को बनाएंगे, जिताएंगे। एक कारण ये भी हो सकता है कि अगर निर्मला चौधरी भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में आ जाती हैं तो कुलदीप शर्मा कहाँ एडजस्ट होंगे। शायद ये सारी बातें हो सकती हैं, और ये सब कयास हैं, हमारे भी कयास हैं। ये हम ये नहीं कह रहे कि ऐसा ही है, ऐसा था तो कुलदीप शर्मा ने सोचा, लेकिन जो अफवाहें चली, जो कयास लगाए गए और जिनके पीछे सच्चाई कितनी है कितनी नहीं, ये तो कुलदीप शर्मा जाने। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आज उन पर अपना हक जताते हुए उनको एहसास करा दिया कि भाई आपका पूरा मान सम्मान किया था और आगे आपको हम जाने नहीं देंगे। वैसे आपको क्या लगता है कि जो दल बदल का ये दौर शुरू हुआ है, क्योंकि चुनाव के अंदर दल बदल का दौर चलता है, ये कितना प्रभावी होगा? आपको क्या लगता है कितने और नेता, क्योंकि अभय सिंह चौटाला ने कहा कि हुड्डा के कई नज़दीकी छोड़ेंगे कांग्रेस, तो क्या आपको भी लगता है कि कांग्रेस के अंदर कुछ बड़े विकेट गिर सकते हैं, या क्या आपको ये लगता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर या कांग्रेस के लोग भी भाजपा में कोई सेंध लगा सकते हैं? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।